अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। मैं हूं असलम परवेज, एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं लाहौर। वो एक आपने सुना होगा, जिसने लाहौर क्या बोलते हैं, जिसने लाहौर नहीं देखी है वो जमिया नहीं। ये बात जो है ना पंजाबी में ही अच्छी लगती है। अच्छा, इधर आप पंजाबी में। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। बस हम जमने के लिए इधर आए हैं ताकि हम लाहौर को देख करके आप लोगों के लिए भी एक कुछ लाहौर के सौगात पेश करें। ये हमारे साथ शिकागो में होते हैं, ये 50% लाहौरी है, 50% अमेरिकन है। ये इनके भाई हैं, इनका नाम है सुलेमान नसीर। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के बेसिकली आम तौर पे गपशप तो होती ही रहेगी, ज़िंदगी नाम ही है गपशप करने का। लेकिन यूथ की, हमारे खुसूसन में पाकिस्तानी लोगों की बात करता हूँ विदाउट टचिंग एनी रिलीजन, के यूथ की क्या फ्यूचर आप देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में? यूथ का सबसे पहले तो बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यूथ, अगर अपने टाइम को ज़रा पॉजिटिवली यूज़ करे। 24 आवर्स को पूरी तरह से 100% यूटिलाइज करे, अपने जो टाइम पबजी के अंदर लगाया है वो किसी इंफॉर्मेटिव किसी वीडियो पे लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन के 2 घंटे गेम्स में स्पेंड करें। तो वो हाँ बिल्कुल, तो इस चीज़ ने बेसिकली हमारी यूथ को बहुत एग्रेसिव कर दिया है। तो उस एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रादर देन के हम मार धाड़ की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा हों, हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा तो यही पैगाम है कि ज़रा अपना हम थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेट करें। किस किस्म के प्रायोरिटी यूथ, मौजूदा ज़माने की रिक्वायरमेंट क्या है? मौजूदा वक्त, मौजूदा ज़माने की रिक्वायरमेंट क्या है यूथ के लिए? वैसे तो ठीक है वीडियो देखे, ठीक है किताबें पढ़े, ठीक है दुनिया को देखे, लेकिन सवाल ये है कि तरक्की के लिए कि एक टारगेट रास्ते का तयन ज़रूरी है। सिलेक्टेड वे पे जब हम चलेंगे तो मंजिल पाएंगे, अदरवाइज दौड़ते रहेंगे, पता लगा बूढ़े हो गए, ना मंजिल मिली, ना विसाल यार, ना इधर के रहे ना उधर के। तो कोई एक मौजूदा ज़माने में क्या आप देखते हैं कि क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ भी उनको तवज्जो देनी चाहिए अपने निसाब को? चूँकि पाकिस्तान में कोई निसाब है नहीं एक कि जी आप एक निसाब की तरफ तवज्जो दे रहे ये पढ़ ले। हमारा निसाब कुरान और हदीस है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए, इज्जत के साथ रहने के लिए, मकाम आला हासिल करने के लिए यूथ को क्या पढ़ना चाहिए, किस किस्म के फ्लेवर्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये भी ज़रा सा थोड़ा सा शेयर कर दें। जैसे जैसे दुनिया जो है वो आईटी की तरफ जा रही है, मेरे एक मिसाल एक मेरे जहन में ये आती है सबसे पहले कि एक एंड्रॉयड के ऊपर एक एप्लीकेशन बनी थी कुछ अरसा पहले, जो बहुत ज़्यादा अब बूम पकड़ गई है, इस्लाम 360 के नाम से। अब वो उन्होंने बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि हमारी सारी इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है, और नेशनली भी, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप मिली है कि हर बंदा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर रिलाई करना शुरू हो गया है। तो इसी तरह ही हमें भी कुछ ऐसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई ऐसी चीज़ इनोवेट करनी चाहिए जिससे ताहयात जो है वो हमारी आने वाली नस्लों का बेनिफिट हो जाए। और अल्टीमेटली गोल सेट करना सबसे पहले बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, उस गोल को सेट करने में देखना कि हमें उस गोल तक पहुंचना किस तरह है, किस तरह उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, ये एक बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। यानी ज़माने के साथ जीने के लिए ज़रूरी ये है कि ज़माने का मौजूदा नॉलेज को अपने अमल में लाना चाहिए, नॉलेज को हासिल करना चाहिए, क्योंकि कोई अमल बग़ैर इल्म के नाकिस है। इमरान भाई, आप भी इस सिलसिले में कुछ लबकुशाई, कुछ मशवरा यूथ को दे दें।
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसा है कि हर इंसान की ना, चाहे वो यूथ है या उससे बड़ा है एज में या उससे छोटा है, उसकी एक मंजिल जो है ना अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है, ठीक है, उसके लिए एक मकाम तयन कर दिया हुआ है कि उसने किस मकाम पे जाके जो है ना वो पोजीशन लेनी है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका कैरियर क्या होगा, उसका प्रोफेशनल क्या होगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो यूथ है उसको हमें कोशिश करनी की चाहिए कि बहुत ज़्यादा मोल्ड नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोल्ड करने से जो है ना वो शायद उसकी सोचें और उसके जो ख्यालात हैं वो बहुत सी चीज़ें डाइवर्ट कर लेता है उस फोर्स की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान का एक मकाम होता है, हर बच्चे का एक मंजिल होती है, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार वो जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेशेंस, मुस्तकिल मिजाजी, ये सारा कुछ जो है ना, ये फैक्टर्स जो है ना उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये फैक्टर्स उस यूथ के उन बड़ों को उसके अंदर ट्रांसफ़र करने होते हैं ताकि उस पेशेंस की वजह से वो उस मकाम तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचे, ना कि उसको पुश किया जाए उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सी मतलब दुनियावी चीज़ें भी उसको लेके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो यूथ है, उस एज के बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्यूचर, उसका कैरियर जो उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो अडॉप्ट करे, ठीक है, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो कि उसका इम्पेक्ट उसके वालदैन पे, उसकी आने वाली नस्लों पे जो है ना वो पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, मुश्किल मिजाजी से काम लेना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंचे, ना कि वो जो है ना वो डाइवर्ट हो जाए। समझाना बड़ों का काम होता है, समझाना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है ना वो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, एक हद तक उसको समझाना चाहिए। इमरान भाई कहते हैं कि जिसको जो जो चाहता है आप उस तरफ भी उसको देखें, सब्र के साथ बच्चे को वॉच करें, अब बच्चों में भी सब्र को, पेशेंस को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर सब्र हो। जो कौमें, जो शख्स में सब्र नहीं होता, वो ना दीन के ना दुनिया के होते हैं, ना वो कामयाब हो सकते हैं दीनी एतबार से ना दुनियावी एतबार से। नाज़रीन, अगर आपके पास इस सिलसिले में कोई भी कमेंट्स हो आप दीजिएगा, ताकि हम आपकी जो कमेंट्स है वो इन दोनों साथियों तक, मेहमान तक पहुंचा सकें। अपना और अपने बच्चों के तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखिएगा। असलम परवेज़ को और हमारे साथियों को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।